नफ़े सिंह राखी अमर रहे, अमर रहे। बीस साल से तो सिर्फ उसी गांव का विधायक बन रहा है, चाहे वो राजेंद्र टून जी हो, चाहे वो नरेश कौशिक जी हो, और आज भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उसी गांव में टिकट दी। साथियों, उस गांव की हालत आप खुद जाकर देखिए, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की निकासी नहीं है, स्कूल में बच्चियां नहीं पढ़ सकती, स्कूल का रास्ता नहीं रहा। लड़ाई है यार न्याय की, जो अन्याय उस परिवार के साथ हुआ है वो इस भारत के पूरे हलके के साथ हुआ है, और यह लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, आप लोगों का बेटा था, आप लोगों का भाई था, ये लड़ाई आप लोगों ने लड़नी है, कंधे से कंधा मिला के आखिरी दम तक, 5 तारीख शाम तक ये लड़ाई लड़नी है, और जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, आप लोगों के बीच में आपने अपने 4 बेटों के रूप में लखे से लड़ी दिखाई देगा। मैं तो सिर्फ एक आप लोगों के बीच में लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों ने आशीर्वाद देकर खड़ी की हूँ। पर हाथ खा गए क्यों, मैं तो आश्वासन दे दो कि अभी मगाओ हमारा साथ है हमारे। घोषणा पत्र जारी करेंगे 17 तारीख ने सुबह 11 बजे रोहतक रोड सीतापड़ा ली फार्म पे आप सब लोग आइयो। चुनाव जीतने के बाद जो सारा गांव राम खड़ा है, एक बात और कहकर जाऊं, चुनाव जीतने के बाद हमने सरकारी ग्रांट की बात नहीं देखेंगे कि गांव की पंचायत के लिए दोनों के लिए 11-11 लाख रुपए हम अपने कोष से देंगे। बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से शीला नफे सिंह राठी का प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव नया गांव में पहुंची शीला नफे सिंह राठी और उनके पुत्र जितेंद्र राठी ने नया गांव के लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाया। वह गांव की चौपाल में पहुंचने से पहले मोटरसाइकिल के काफिले के साथ और लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका मान स्वागत किया। ट्रैक्टर पर बिठाकर जितेंद्र राठी और शीला नफे सिंह राठी का गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और उत्साह बढ़ाने का काम किया। आपको बता दें कि शीला नफे सिंह राठी ने नया गांव की चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से बहादुरगढ़ अब सोतेलापन महसूस करने लगा है, पिछले कई वर्षों से बहादुरगढ़ का विकास नहीं हुआ है। बहादुरगढ़ का विकास नफे सिंह राठी जब विधायक थे तब हुआ था, उसके बाद केवल विधायक बनकर अपनी चौधर जमाने का काम इन नेताओं ने किया है। बहादुरगढ़ हलके की कोई ऐसी गली नहीं जो टूटी ना हो। बहादुरगढ़ हलके में पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, बहादुरगढ़ में स्वच्छ वातावरण नहीं है, गलियों और नालियों का बुरा हाल है। बहादुरगढ़ की जनता को एक ऐसा विधायक चाहिए जो उनका काम कर सके, और अब पूरा बहादुरगढ़ हलका नफे सिंह राठी परिवार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। नफे सिंह राठी के पुत्र जितेंद्र राठी ने कहा कि अब हम बहादुरगढ़ के विकास को आगे बढ़ाएंगे, स्वर्गीय नफे सिंह राठी के सपनों को पूरा करेंगे। उनका सपना था कि उनका बहादुरगढ़ विकसित हो, उनके बहादुरगढ़ में प्रत्येक वर्ग खुशहाल हो, लेकिन अब बहादुरगढ़ में परिवारवाद की राजनीति का जन्म हो चुका है। ये लोग अपने केवल चौधर को बचाए रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बहादुरगढ़ की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। नया गांव में पहुंचने पर शीला नफे सिंह राठी और जितेंद्र राठी का लोगों ने फूलों से स्वागत किया व अभिनंदन भी किया। नए गांव में पहुंचने पर जो स्वागत हुआ, वो स्वागत देख कर मुझे स्वर्गीय नफे सिंह राठी की याद आई, क्योंकि वो अपना गांव समझते थे नए गांव को, और ये लड़ाई अब मेरी नहीं रही, ये मेरे नए गांव के लोगों की लड़ाई हो चुकी है, और ये जनता ही नफे सिंह राठी को न्याय दिलवाएगी। और रही बात विकास की, विकास जो नफे सिंह राठी ने किए थे उससे ज़्यादा विकास होगा, और जो हमारा घोषणा पत्र हमारे हलके के लोगों की डिमांड पर रखा गया है, और उस घोषणा पत्र में जो लोग चाहते हैं वो विकास भी होगा, और इस हलके के लोगों की सेफ्टी भी होगी, क्योंकि सबसे पहले तो इस सरकार ने हम ही लूटे हैं, हमारे सिर से ही, मेरे बच्चों के सर से उनके पिता का साया छीना गया है, मेरे सर से मेरे पति का स्वाग छीना गया है। थैंक यू। बहादुरगढ़ के जो अनेकों मुद्दे हैं, हम क्योंकि यहाँ पे लोकल मुद्दे इतने ज़्यादा
गहरे हैं और ज़रूरत है उनकी, उनको एड्रेस करने की कि हम लोकल अपना जो हमारा काम रहेगा इस क्षेत्र के लिए, इस हलके के लिए जो हमारे विचार हैं और जनता के लिए जो डिमांड है वो हम अपना घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। कब करेंगे और कैसे होते हैं? देखिए 17 तारीख को सुबह 11 बजे, मैं आप सभी को इन्विटेशन भी देता हूँ, 17 तारीख को सुबह 11 बजे रोहतक रोड स्थित ली फार्म पे आप सब आइए और आप सबके बीच में जो भादरगढ़ की जनता का घोषणा पत्र है, जो भादरगढ़ के विकास का घोषणा पत्र है, जो भादरगढ़ की आवाज़ का घोषणा पत्र है, जो भादरगढ़ के न्याय का घोषणा पत्र है, वो हम सबके सामने पेश करेंगे और आपके सबके सामने उनको कामों को पूरा करने का भी हम वादा रखते हैं, ये भी मैं आपसे बता देता हूँ।